आपको हम गया धाम में एक ऐसा वृक्ष दिखाने जा रहे हैं और उसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने सतयुग के समय बनाया था और माता सीता रानी ने इधर उनको एक वरदान दिया था कि आप कभी जिंदगी में आपका कभी नाश नहीं होगा। पर माता सीता रानी ने जब इसको वरदान दिया था इसका नाम पड़ा था अक्षय वृक्ष। मुहूर्त निकलता जा रहा था तो अब माता सीता रानी ने यहां पर पिंडदान किया। जब राम जी आए तो उन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने पिंडदान माता सीता रानी ने नहीं किया। उनका मनोभाव यह था कि राम जी आए हैं और राजा हैं, अगर ये दोबारा पिंडदान करेंगे तो यहाँ पर सोने जेवरात बहुत कुछ हमें मिलेंगे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। एक यही वृक्ष था जिसने सच बोला था और कहा कि हाँ जी यहाँ पर माता सीता रानी ने पिंडदान किया है राजा दशरथ जी का, क्योंकि मुहूर्त निकलता जा रहा था तो रेतों से पिंडदान किया। इस संसार में माना जाता है कि हर कुछ जो वृक्ष या कुछ भी ऐसा धरोहर है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, पर आज आपको हम गया धाम में एक ऐसा वृक्ष दिखाने जा रहे हैं और उसके इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने सतयुग के समय बनाया था और माता सीता रानी ने इधर उनको एक वरदान दिया था कि आप कभी ज़िंदगी में आपका कभी नाश नहीं होगा, कभी आप ख़त्म नहीं होंगे और पूरी ज़िंदगी जो है हरा भरा रहेंगे। ये वृक्ष आपको दिखा रहे हैं जो वट का वृक्ष है, पर माता सीता रानी ने जब इसको वरदान दिया था इसका नाम पड़ा था अक्षय वृक्ष। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हजारों साल पुराना ये वृक्ष है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये वृक्ष जब द्वापर में माता सीता जी हैं यहाँ पर आए थे, उन्होंने राम जी के जो पिताजी राजा दशरथ हैं उनका पिंडदान करने के लिए यहाँ पहुँचे, तो जब समय का मुहूर्त निकलता जा रहा था तो अब माता सीता रानी ने यहाँ पर पिंडदान किया, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, पानी कहें जल कहें, ब्राह्मण थे जिन्होंने उनका पिंडदान करवाया था, तो सभी एक तरफ से उन्होंने मना कर दिया। जब राम जी आए तो उन्होंने मना कर दिया कि इन्होंने पिंडदान माता सीता रानी ने नहीं किया। तो यहाँ के लोग बताते हैं कि उनका मनोभाव ये था कि राम जी आए हैं और राजा हैं, अगर ये दोबारा पिंडदान करेंगे तो यहाँ पर सोने जेवरात बहुत कुछ हमें मिलेंगे, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं। पर एक यही वृक्ष था जिसने सच बोला था और कहा कि हाँ जी यहाँ पर माता सीता रानी ने पिंडदान किया है राजा दशरथ जी का, क्योंकि मुहूर्त निकलता जा रहा था तो रेतों से पिंडदान किया, जिसके बाद माता सीता रानी ने प्रसन्न होके खुश होके इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष का नाम दिया, और क्योंकि इसको आशीर्वाद दिया कि पूरी ज़िंदगी जो है कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, इसका जो है लगातार ये बढ़ता जाएगा, हरा भरा रहेगा। इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और कितना कुछ इसके बारे से जुड़ा हुआ है ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी जुड़े हैं। जी पुजारी जी, इस वृक्ष के इतिहास के बारे में आप बताएंगे। ये स्वर्गलोक से ब्रह्मा जी ने इनको सतयुग के समय में लाए थे जी। सतयुग के समय से भगवान लोग श्राद्ध किए, द्वापर में धर्मराज ने आके यहाँ श्राद्ध किया। द्वापर में धर्मराज ने आके श्राद्ध किया, त्रेता काल में राजा रामचंद्र जी आके यहाँ श्राद्ध किया, में पांच साक्षी थे, गौ ब्राह्मण तुलसी नदी बड़ वृक्ष, ये पांच साक्षी थे। राजा दशरथ उपस्थित हो गए, आकाशवाणी हुए, सीता जी से सवाल किया कि हमको पिंड हमको दो, तो माता जी ने जवाब दिया कि भगवान कुछ सामान के लिए बाजार गए हैं, वो आ जाते हैं तो आपकी पिंड आपको हो जाएगी। तो उसने राजा दशरथ ने सवाल किया कि नहीं, राजा दशरथ ने सवाल किया कि नहीं, तू हमारी गोत्र में आओ, हमारे पास टाइम है नहीं,
इसलिए हमको बालू का रेता का पिंडा दो। राजा दशरथ ने ही बताया सीता जी को कि बालू का रेता का पिंडा दो। उसी समय ये बालू का रेता का पिंडा सीता जी ने दिया। इसमें पांच साक्षी थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, नदी, ये सब अपने अपने लोभ में झूठ बोले। ये भगवान वटवृक्ष कृष्ण के रूप में थे, कोई समझ नहीं पाया। ये भगवान ने सत्य बोले तो इनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाशवान है नहीं, अक्षय रहोगे। ये सत्युयुग द्वापर तेरता ये कली काल बीत रही है, अब इसके बाद भी वो इसी तरीका से रहेंगे। ये महाप्रलय के समय में भी एक पत्ते पर भगवान सेन करेंगे, इनका नाशवान है नहीं। इसका छवि यहाँ हम शीशे में दिए हुए हैं, जो शीशा है वहाँ पर इनका दिया हुआ छवि दिए हुए हैं कि नाशवान है नहीं, हम आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे लेकिन एक पत्ते पर रहेंगे, समुद्र में छाए रहेंगे। ये एक बार दिखाएंगे जरा, हाँ देखिए इस शीशे के अंदर में, वो तो कृष्ण जी है ना, हाँ शीशे के अंदर में है भगवान कृष्ण का, कृष्ण भगवान पत्ते पर सोए हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर भी पिंडदान होता है? हाँ यहीं पर तो आखिरी पिंडदान होती है ना। अच्छा। 45 जगह जो श्राद्ध पितृपक्ष में हो रही है, तो ये फल्गु विष्णु पत्र शुरू होती है, ये आखिरी बट वृक्ष में आखिरी होती है, यहीं से स्वर्ग की रास्ता यहीं से खुलती है, स्वर्ग का रास्ता यहीं से खुलता है। और यहाँ पर लोगों द्वारा आखिरी पिंडदान, विष्णुपत भगवान का मंदिर है ना, वहाँ से ये प्रथम शुरू होती है, फल्गु नदी से शुरू होती है, भगवान के पास आते हैं मंदिर के पास, मंदिर में भगवान का श्राद्ध करके यहाँ आखिरी में श्राद्ध होती है। जितने वेदी हैं सारी वेदियों पर श्राद्ध करते हैं, कोई 5 दिन का श्राद्ध करते हैं, कोई 17 दिन का श्राद्ध करते हैं, कोई 5 वेदी का श्राद्ध करते हैं, कोई 9 वेदी का श्राद्ध करते हैं, तो 9वीं तक रहते हैं। अभी मारवाड़ी लोग 17 दिन का श्राद्ध कर रहे हैं, ये लोग 17 दिन अमावस्या बिता के जाएंगे, आखिरी दिन उन लोग का अमावस्या होगा। बीच में वो लोग पिन नहीं, ये लोग पिन पा रहे हैं, लोग मिला है, लेकिन मारवाड़ियों लोग का अमावस के दिन ही पिंड होगी। मतलब सभी अलग अलग विधि है कि कौन, हाँ, कितने दिन का करता है, कौन कितने, पर यहाँ पर मड़वाली, हाँ, लोग जो हैं जो वो, हाँ, 17 दिन का करता। यहाँ जौ का पिंड भी होती है, चावल का पिंड होती है, खोआ का पिंड होती है, खीर का पिंड होती है। तो ये जो धागे बांधे हुए हैं इस पेड़ में, उसका क्या विधान है? ये धागा जो है ना, इसको यहाँ जिसको बाल बच्चे नहीं होते हैं, हम लोग पंडा लोग बिजुन लोग आके बोलता है, यहाँ भगवान में विश्वास करके उसका विधि विधान कराते हैं, भगवान उसको फल देते हैं, तो वो आता है, यहाँ मुंडन होती है, और इस समय मनोकामना करके लोग बांधते हैं, अपने अपने मन में भगवान से बोल देते हैं कि हमको भगवान ये जी भी जो भी बोलना है भगवान से बोलते हैं, है ना, तो भगवान उनको पूरा करते हैं, तो वो आते हैं इस जगह पर। आप देख पा रहे हैं वृक्ष हजारों साल, जैसे पुजारी जी ने बताया कि ब्रह्मा जी लेके आए थे सतयुग के समय में, उसके बाद माता सीता रानी जी ने इनको आशीर्वाद दिया था, और तब से ये वृक्ष अभी तक हरा भरा है। बताया जा रहा है कि घोर कलयुग में भी इसका वृक्ष जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये इसका विश्राम नहीं होगा, और ये कहीं ना कहीं रहेगा, और कुछ लोगों द्वारा मान्यताएं हैं मानी जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों द्वारा यहाँ पर धागे भी बांधे जा रहे हैं, धागे बांध के मनोकामनाएँ मांगी जा रही है। कहा जाता है कि यहाँ पर जिनके संतान नहीं हो रहे वे वहाँ यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर धागे बांधते हैं, और उनकी संतान की उनको प्राप्ति होती है। हाँ जी, जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं ना, तो वहाँ पर आके आंचल फरवाते हैं। अच्छा। किसी को बाल बच्चा शादी हुआ तो हुआ ही नहीं, और किसी को दो चार खराब हो जाने के बाद भी आते हैं। अच्छा, ये जो आए हैं ये जैसे ये अभी कर रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए? ये अपने संतान के लिए कर रहे हैं। अच्छा। अपने संतान को भी हरा होगा भगवान। अच्छा, जिसको भगवान देंगे, देने वाले हम आप नहीं हैं, देने वाले प्रभु हैं, कर्म करा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ पर से हैं? बिहार से। बिहार से, हाँ। तो आपका आप यहाँ पर धागे बांधे हैं, ये सब ये किस लिए बांधा आपने? बांधे हैं अपना सुख के वास्ते। अच्छा, हाँ। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं, कई लोग जो हैं लगातार यहाँ पर धागे बांध रहे हैं, ताकि जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही उनको संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ पर
17 दिन तक का पिंडदान किया जाता है। लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। एक थोड़ी देर में आपको और दिखाएंगे। यहाँ के बिहार के राजा जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करने हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहो दैनिक सवेरा के साथ। कैमरामैन राजवी के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।